वेलकम टू माय चैनल टीचर द कुकिंग डायरीज। आज आपको बता रही हूँ मिक्स वेज पुलाव कुकर में बनाऊंगी। 10 मिनट में बनने वाला मिक्स वेज पुलाव है, बहुत ही आसानी से और बहुत मज़ेदार बनता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर सब्जियाँ ली हैं, थोड़े से मटर हैं, फूल गोभी, आलू, गाजर और शिमला मिर्च। आप और चाहें तो अलग से और सब्जियाँ डाल सकती हूँ। टमाटर है 1.5 कप जो है, मैंने 1.5 कप जो है चावल लिए हैं, और एक प्याज है बड़ी, और थोड़ा सा दही है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और थोड़े से साबुत मसाले हैं, ये मैं डालूंगी बघार में। अब मैंने कुकर लिया है, कुकर में बनाऊंगी क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी जो बनता है हमारा, उसमें हम तेल डाल देंगे 1.5 चम्मच के करीब। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम ये जो साबुत मसाले थे हम वो इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम प्याज ऐड कर देंगे, हम काट के रखे थे। हमारी जो है ब्राउन हो गई है, अब मैंने यहाँ चार पांच जो है हरी मिर्ची वो लेके रखी है, वो डाल देंगे। इसको मैंने कट लगाया ताकि फटे नहीं हरी मिर्च। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, वो आप ऐड कर देंगे इसमें। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, हम इसमें जो हमारी सब्जियाँ हैं वो डाल देंगे। सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। ये सब्जी हमारी जैसे फ्राई हुई है, हम उसमें एक टमाटर काट के रखा था, वो टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया दोनों को धोकर काट कर रखा है, हम वो इसमें ऐड कर देंगे। सब्जी हमारी ये देखिए भून गई है, और अब हम इसमें जो हमने चावल लिए थे वो धोकर रखे हैं, वो हम इसको इसमें डाल देंगे। चावल हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, यानी कि हमने जितना मतलब 1.5 गिलास चावल लिए थे तो हम इसमें 1 गिलास पानी इसमें ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, अगर भगोने में बनाते तो हम इसमें डबल पानी डालते। अब हम नमक ऐड कर देंगे, इसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जो दही लिया था उसको फेट लिया था हम, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर नींबू का रस डाल देंगे, 1 नींबू का रस, 2 चम्मच से 1 चम्मच हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले में क्या क्या है, सिर्फ जो है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री और दालचीनी है, ये बस खुशबुएं हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारे पुलाव में। ढक्कन लगा देंगे और इसको हम 2 से 3 सीटी देंगे हाई फ्लेम पे। यह देखिए हमने 3 सीटियाँ लगाई थी, और ये हम इसका कुकर का ढक्कन जो एयर हमने खुद निकलने दी थी उसकी, और हमारा मिक्स वेज पुलाव जो है रेडी हो गया है, ये देखिए। और इसको अभी आप ट्राई करिए, ये 10 मिनट में बनने वाला मिक्स वेज पुलाव है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।